नमस्कार, मेरा नाम है संदीप सिंह और आप सभी का स्वागत है नॉलेज गुरु चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मौसमी या जिसे मौसम्बी भी कहा जाता है की खेती के बारे में बात करने वाले हैं। मौसमी की खेती एक ऐसी खेती है जिसमें कम देखरेख और कम लागत के साथ आप प्रतिवर्ष सिर्फ एक एकड़ से ही 9 से 10 लाख रुपए तक की मोटी कमाई कर सकते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको मौसमी की खेती के बारे में शुरू से लेकर अंत तक बहुत ही विस्तृत जानकारी देने वाले हैं। वीडियो में हम सबसे पहले आपको बताएंगे कि मौसमी की खेती कहाँ कहाँ की जा सकती है, इसकी खेती के लिए जरूरी भूमि और जलवायु कैसी होनी चाहिए। उसके बाद हम बात करेंगे कि मौसमी की उन्नत किस्में कौन कौन सी हैं, इसके खेत की तैयारी कैसे करनी है, पौधे की रोपाई का सही समय और विधि क्या है, पौधों की सिंचाई और निराई गुड़ाई कब कब करनी है। साथ ही देखेंगे कि इसके पेड़ में लगने वाले रोग कौन से हैं और उनकी रोकथाम कैसे करनी है। और अंत में हम बात करेंगे कि मौसमी की पैदावार की लागत कितनी है और मुनाफा कितना है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस करके वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि मौसमी की खेती कहाँ कहाँ की जा सकती है। तो आपको बता दें कि मौसमी की खेती आप पूरे भारत में कहीं से भी हों, हर जगह इसकी खेती की जा सकती है। बस ये ध्यान रखना है कि उस क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा ठंड या गर्मी और हद से ज़्यादा बारिश ना होती हो। अगर मिट्टी और जलवायु की बात करें तो मौसमी की खेती के लिए सामान्य बनावट वाली दोमट मिट्टी सबसे अच्छी होती है। वैसे आप इसकी खेती किसी भी प्रकार की मिट्टी में कर सकते हैं। साथ ही अगर मिट्टी का पीएच मान 5.5 से 7.5 तक रहता है तो ज़्यादा बेहतर होगा। अगर तापमान की बात करें तो मौसमी के पेड़ के लिए 10 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान में कोई दिक्कत नहीं आती है। जिन जगहों पर कम बारिश या सूखी वायु चलती है, ऐसे इलाकों में मौसमी की फसल अच्छे से होती है। नम और बारिश वाली जगहों पर मौसमी के पौधों में रोग और कीट लगने का खतरा अधिक होता है। अब बात कर लेते हैं कि मौसमी की उन्नत किस्में कौन कौन सी हैं। वर्तमान में भारत के अंदर मौसमी की कई किस्में हैं जिनकी व्यापारिक खेती की जा रही है, जैसे जाफा, सतगुड़ी, कॉटोल गोल्ड और न्यू सेलर आदि। न्यू सेलर एक ऐसी किस्म है जिसके पौधों में रोगों का प्रकोप आपको काफ़ी कम देखने को मिलता है। वैसे आपके लिए मेरी सलाह ये है कि आप पहले अपनी मिट्टी की जाँच कराएँ और मिट्टी की गुणवत्ता के आधार पर ही पौधों की किस्म का चुनाव करें। साथ ही पौधे सिर्फ सर्टिफाइड एग्रीकल्चरल सेंटर से ही लें एवं ग्राफ्टेड पौधे लें। ये सर्टिफाइड सेंटर आपको नागपुर और राजस्थान के कई जिलों में मिल जाएंगे। आपको व्यापारिक खेती के लिए पौधे यहीं से लेने हैं और कहीं से नहीं लेने हैं। तो ये तो हुई बात कि पौधे लेने कहाँ से हैं। अब बात कर लेते हैं कि पौध रोपाई के पहले खेत की तैयारी कैसे करनी है एवं पौधों की रोपाई का सही समय और विधि क्या है। दोस्तों, पौधे की रोपाई से पहले आपको रोपाई के लिए खेत को तैयार करना होता है। इसके लिए सबसे पहले आपको पूरे खेत की जुताई करवा देना है। इसके बाद 15x15 फीट की दूरी पर 3x3 फीट लंबाई, चौड़ाई और 3 फीट की ही गहराई वाले गड्ढे खोद लेने हैं। 15x15 फीट की दूरी इसलिए क्योंकि एक दूसरे से इतनी दूरी पर ही आपको पौधों को लगाना है। अगर आप चाहें तो ये दूरी 12x12 फीट भी रख सकते हैं, लेकिन 15x15 फीट की दूरी सबसे बेस्ट मानी जाती है। अब इन गड्ढों में 40 से 50 किलो गोबर की खाद और नीम की खली अच्छे से मिट्टी के साथ मिक्स करके इनमें डाल देना है और सिंचाई करके गड्ढों को 15 दिन के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। 15 दिनों के बाद अक्टूबर नवम्बर के महीने में आपको इन गड्ढों में पौधे की रोपाई कर देनी है, क्योंकि मौसमी की रोपाई के लिए अक्टूबर नवंबर का महीना ही सबसे अच्छा होता है। अब बात कर लेते हैं कि पौधों की सिंचाई और निराई गुड़ाई किस प्रकार करनी है। दोस्तों, पौधों की सिंचाई के लिए अगर आप चाहें तो पौधों के चारों ओर छोटी सी क्यारी बनाकर उसमें वाटर पाइप लगाकर पौधों की सिंचाई कर सकते हैं, लेकिन मौसमी की सिंचाई की सबसे बढ़िया विधि टपक विधि होती है। अगर आप टपक विधि या ड्रिप सिस्टम से सिंचाई करते हैं तो इससे आपके पौधे की ग्रोथ अच्छी होगी और पौधों में फंगस आदि लगने की समस्या भी बहुत कम देखने को मिलेगी। दोस्तों, आपको ये ध्यान देना है कि ड्रिप विधि में आपको 3 दिन में सिर्फ एक बार 1 घंटे के लिए ही इसे खोलना है। ज़्यादा पानी नहीं देना, क्योंकि मौसमी को बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है। अब बात कर लेते हैं कि इसमें रोग कौन कौन से लगते हैं और उनकी रोकथाम कैसे करनी है।
दोस्तों मौसमी के पौधों में बहुत ज्यादा रोग भी देखने को नहीं मिलते, सिर्फ एक या दो, जैसे नए पत्ते आने पर पत्तों का सिकुड़ना और फल तुड़ाई के बाद पत्तों में पीलापन आदि समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। इनकी रोकथाम के लिए आप डॉक्टर से मिलकर उनकी सलाह से इनकी रोकथाम बड़ी आसानी से कर सकते हैं और इसमें ज़्यादा कठिनाई नहीं आती है। और अंत में हम बात कर लेते हैं मौसमी की पैदावार, लागत और मुनाफे की। दोस्तों मौसमी का पौधा 2 से 3 साल में फल देने लगता है। पहले 1-2 साल में 15 से 20 किलो फल ही प्राप्त होंगे, लेकिन 5 से 6 साल का पौधा होने पर इससे 50 से 80-90 किलो तक फल आने लगते हैं। और ख़ास बात ये है कि ये साल में 2 बार फल देता है, पहला अक्टूबर नवंबर में और दूसरा फरवरी मार्च के महीने में। अगर पैदावार की बात करें तो 15x15 फीट की दूरी पर प्रति एकड़ 200 पौधे लग जाएंगे और प्रति पौधा साल में 2 बार 50-50 किलो यानी 100 किलो फल औसतन जरूर दे देता है। इस तरह से कुल पैदावार होती है 100×200 बराबर 20,000 किलो या 20 टन, और इसका बाजार मूल्य 40 रुपये प्रति किलो से लेकर 80-90 रुपये प्रति किलो तक मिल जाता है। अगर इस मूल्य को हम 50 रुपये प्रति किलो भी मान लें तो कुल बिक्री होगी औसतन 20,000×50 बराबर 10 लाख रुपये की। अगर हम इसमें लागत हटा दें जो प्रथम वर्ष करीब 50,000 रुपये आएगी, तो शुद्ध मुनाफा होगा 10 लाख-50,000 बराबर 9,50,000 रुपये। मतलब अगर आप 1 एकड़ में भी मौसमी की खेती करते हैं तो प्रति एकड़ सालाना 9 से 10 लाख रुपए तक की कमाई कर सकते हैं। तो ये था वीडियो मौसमी की खेती के संपूर्ण जानकारी का। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं, साथ ही वीडियो को लाइक करें, और अगर अब भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपनों को बहुत सारा ख्याल रखिए। नमस्कार, जय हिंद।